लॉगिन करते ही जो सबसे पहली स्क्रीन आपको दिखेगी वो है क्लाइंट मास्टर की। जो भी आपने क्लाइंट क्रिएट करा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करिए, उसके नाम के ऊपर क्लिक करिए और GSTN डैशबोर्ड के ऊपर आ जाइए। यहाँ पे हमारे पास ऊपर से दूसरा सेक्शन जो अवेलेबल होता है वो होता है रिकंसिलिएशन का, जो आपको एनुअल, मल्टी मंथ और मल्टी क्वार्टर रिकंसिलिएशन का ऑप्शन देता है। व्यू एनुअल रिको के ऊपर क्लिक करिए और आप GSTR 2A/2B रिकंसिलिएशन मॉड्यूल के ऊपर नेविगेट हो जाएंगे। यहाँ पे जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको अपने बुक्स के डेटा को इम्पोर्ट करना है वो ऊपर से सिलेक्ट करिए और इम्पोर्ट का ऑप्शन जो कि लेफ्ट में अवेलेबल है उसके ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पे आप या तो मंथली अपने डेटा को इम्पोर्ट कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास एनुअल फाइल अवेलेबल है पूरे साल की। अधिकतर अकाउंटिंग सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको पोर्टल के GSTR 2 के फॉर्मेट में अपने परचेज बुक्स डेटा को इम्पोर्ट करके देते हैं, तो अगर आप वही सेम फॉर्मेट यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे एक्सेल का जिसमें डेटा अवेलेबल है तो आपका डेटा यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगा और ईजिली रिकनसाइल भी हो जाएगा। डेटा को इम्पोर्ट करने के लिए ब्राउज के ऊपर क्लिक करिए और अपनी लोकेशन को ब्राउज कर दीजिए और वो जो फाइल है उस फाइल को सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे जैसे ही आप फाइल सेलेक्ट करेंगे आपके पास इम्पोर्ट नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करिए और अब आपका डेटा जो है वो इम्पोर्ट भी हो चुका है और रिकनसाइल भी हो चुका है। अगर आपको अपने डेटा को री इम्पोर्ट करना हो तो उसके लिए री इम्पोर्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ओके के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने पूरे रिकनसाइल डेटा को व्यू कर पाएंगे। रिकंसिलिएशन मॉड्यूल में आपके पास तीन तरीके के रिकंसिलिएशन अवेलेबल हैं, सप्लायर वाइज, मंथ वाइज और इनवॉइस वाइज। इनवॉइस वाइज के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप कंप्लीट डिटेल्ड इनवॉइस वाइज रिकंसिलिएशन के ऊपर नेविगेट हो जाएंगे। यहाँ पे एनुअल, मल्टी क्वार्टर और मल्टी मंथ इनवॉइस वाइज रिकंसिलिएशन अवेलेबल है। अगर आप बाय 2A रिकंसिलिएशन देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है और बाय 2B देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। हम हर इनवॉइस को चार में से किसी एक स्टेटस बकेट के अंदर डालते हैं। सबसे पहला स्टेटस जो होता है वो होता है मैच का। ये वो इनवॉइसेस हैं जो बुक्स में भी अवेलेबल हैं और 2B में भी अवेलेबल हैं और उनका डेटा पूरा मैच हो रहा है। पार्शियली मैच वो इनवॉइसेस हैं जो दोनों तरफ अवेलेबल हैं पर उनके अमाउंट में कुछ मिसमैच है। इन बुक्स ओनली सिर्फ बुक्स में ही अवेलेबल इनवॉइसेस हैं। इन 2B ओनली वो इनवॉइसेस हैं जो सिर्फ 2B में हैं और उनका कोई करस्पॉन्डिंग इनवॉइस बुक्स में नहीं मिला। फ्रिज GST को यूज करते हुए आपके 99.99% ऑफ द इनवॉइसेस रिकनसाइल हो जाते हैं ताकि आपको मैनुअल लिंकिंग की कभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़े। अगर आपको कंप्लीट डिटेल्स व्यू करनी हो अपने किसी पर्टिकुलर इनवॉइस की तो आप वो भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द इनवॉइस नंबर। जैसे ही आप इनवॉइस नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे आप उसकी कंप्लीट डिटेल्स व्यू कर सकते हैं और अगर आपको कुछ रिमार्क्स ऐड करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग लेवल्स पे सॉर्टिंग और फिल्टरिंग भी अवेलेबल है जिसको यूज़ करते हुए आप अपने डेटा को सॉर्ट और फिल्टर भी कर सकते हैं। यूज़र की कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तीन तरीके की कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। इन 2A, नॉट इन 2B, ये वो इनवॉइसेस हैं जो सिर्फ 2A में हैं और उनका कोई 2B में करस्पॉन्डिंग इनवॉइस अवेलेबल नहीं हुआ, जिसका मतलब ये कि उन सप्लायर्स ने डेटा को अपलोड तो किया पर अभी तक फाइल नहीं किया। RCM कॉन्फ्लिक्ट वो इनवॉइसेस हैं जिनमें कि हमें कुछ RCM के कॉन्फ्लिक्ट मिले। ITC एलिजिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट वो है जिनमें कि बुक्स और GSTR 2B में हमें कुछ ITC एलिजिबिलिटी में कॉन्फ्लिक्ट मिले। अगर आपको इस पूरे डेटा को अपने आप को ईमेल करना हो और एक एक्सेल फॉर्मेट में व्यू करना हो तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है जिसके लिए आपको बैक टू सप्लायर वाइज रिको क्लिक करना पड़ेगा और ईमेल कंप्लीट डेटा के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करिए और सेंड के ऊपर क्लिक करिए। जैसे ही आप सेंड करेंगे आपके पास एक ईमेल रिसीव होगा जिसमें कि एक वेल फॉर्मेटेड एक्सेल होगी जो आपको इनवॉइस वाइज और सप्लायर वाइज 2A और 2B का डेटा दिखाएगी। वहाँ पे आप सॉर्टिंग फिल्टरिंग अप्लाई करिए और आपका काम बहुत ही इजीली हो जाएगा।